presently. So I had requested my irrigation company. Ultimately, you have to think of not tourism. As I mean, not here alone, all along. And what about on the right side also? If that is absent, I want to get that data that can be pulled and some result can be generated. It will be good, but where is the water? We tried. Leaves just across at Pokhribal and. मेरा नाम है प्रोफेसर अशोक कुमार पंडित. मैं यूनिवर्सिटी में रहा हूं. मैं वहां प्रोफेसर था, एक्स डायरेक्टर सेंटर ऑफ रिसर्च फॉर डेवलपमेंट एंड फार्मर एचओडी एनवायरमेंटल साइंसेज. मैंने 40 साल से डल और जितनी भी वाटर बॉडीज हैं कश्मीर में सारे पर काम किया है. मेरे 15 पीएचडीज हैं और कुछ 25 एमफिल्स हैं. जितने भी कश्मीर में अभी जखीरे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग स्ट्रीम्स वेटलैंड्स लेक्स, तो तकरीबन मैंने सारों पर काम किया है. मेरी 200 पब्लिकेशंस हैं नेशनल और इंटरनेशनल पर. रिसर्चर भी है और साइंटिस्ट भी है. तो अभी वीट साइट्स ने 80% जो है डल को खा लिया है. तो आप क्या मानते हैं, क्या इकदाम उठाने चाहिए ताकि हमारा ये एहसास जो है जो ये बच जाए? आज तो जो डाल प्रेजेंट सिनेरियो, मैंने कुछ दिन पहले ही 4-5 दिन मैंने पूरे डाल का सर्वे किया 5-6 घंटे. तो मैं वाज रियली शॉक्ड टू सी द प्लाइट ऑफ डल लेक, तो विच इज वेरी हॉरेबल. जो ये बुड्डल बेसिन है कोतर खाना से तकरीबन नेहरू वहां पार की चार चिनाई पार्क, सारा जो पैच है जो ओपन वाटर एरिया प्योरली था वो एनक्रोच हुआ है विथ निम्फिया वाटर लिली ने. वाटर लिली ऐसा एक प्लांट है जिसके काफी राइजोम है जो एक्चुअली फ्लोटिंग गार्डन बनाने में मदद करता है. अगर ये फ्लोटिंग गार्डन बनाने में मदद करता है तो इससे क्या होगा कि अगर ग्रेजुअली दिस विल कन्वर्ट इनटू फ्लोटिंग गार्डन, तो जो ओपन वाटर है तो वो रहेगा नहीं. इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो ये फ्लोटिंग वाटर लिली है इसको जड़ से उखड़ाया जाए. अभी जो मशीनें लगी है सर वो कारामद है? फिर ये कह रहे हैं यहाँ जो ललाड़ा पीपल कह रहे हैं कि हमारे पास 2 मशीनें हैं, जो एक है जो फिनलैंड से आई है, एक की कैपेसिटी वो 1.8 मीटर तक जा सकती है डीप, तो दूसरा है 2.5. इफ इट वर्क एफिशिएंटली तो थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम सॉल्व हो कर सकते. अदरवाइज जो लोकल्स हैं वो बड़े ट्रेन हैं इनको निकालने में, अगर 3 मीटर डेप्थ तक भी होगा वो निकाल सकते हैं. लेकिन उसमें एक अड़चन है कि मैन पावर नहीं है, वरना वो तो बड़े एफिशिएंट है रिमूवल ऑफ दीज मैक, वो तो आराम से निकाल सकते थे. लेकिन वो भी एक प्रॉब्लम है, मैन पावर नहीं है, कितना फंड पैसा लगेगा. अब मुझे मेरा ख्याल है वी हैव टू वर्क आउट कि मशीन खरीदने में कितना लगेगा, कि लोकल मैन पावर अगर अवेलेबल है कि उस पर कितना खर्चा. इफ द अदर पार्ट इज ऑल्टरनेटिव इज गुड, देन वी हैव टू इन्वॉल्व द पीपल फॉर इरेडिकेटिंग दिस प्लांट विच इज क्रिएटिंग हैवॉक विद द लेक एंड विच इज ईटिंग द वाइटल्स ऑफ द लेक. मशीन भी जरूरी है, जहां जहां जरूरत पड़े मशीनों की कहीं जरूरत है. लेकिन मशीन जो सारी हार्वेस्टर लाए, हम तो क्लिपिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है जो क्लिपिंग जैसे बाल काटते हैं किसी ऊपर से काटते हैं तो फिर रिग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा रिग्रोथ है, उससे जो प्रोडक्शन है वीड्स की वो बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है उससे तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है. अगर मैन्युअली किया जाए तो भाई होल्स तो वो अच्छा रहता है.